हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक दी एफ कैट एग्जाम। नाउ एफ कैट एग्जाम के फॉर्म्स निकले हुए हैं, हर साल दो बार निकलते हैं। अभी जो एफ कैट 2020 का फॉर्म निकला हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं भी की है, किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने खुद 11-12 एफ कैट एग्जाम्स दिए थे, जिसमें से आई कुड क्लियर 8 और 9 एफ कैट एग्जाम्स। एंड जिन गलतियों से मैंने जो एफ कैट नहीं क्लियर किए वो नहीं क्लियर किए, और जो क्लियर किए वो क्लियर किए, उन सबको हम 10 पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आज तक कहीं से कोई भी कोचिंग नहीं लिए फ्रॉम माई स्कूल टू क्रैकिंग दीज कॉम्पिटिटिव। सो ये पूरी प्रिपरेशन मैंने घर पर की थी। अगर आप बिना कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड सब कुछ बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और हर क्वेश्चन गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पिछले कुछ सालों का अगर कट ऑफ देखें तो इनफैक्ट जब मैं भी एफ कैट देती थी, आई स्टार्टेड गिविंग इन ईयर 2013 आई थिंक, उस टाइम से लेकर के अभी तक जो एवरेज कट ऑफ है एफ कैट का, दैट इज़ 150 मार्क्स। सपोज आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से आपके 55 सही होते हैं और 15 गलत हो जाते हैं। 55 क्वेश्चंस सही करने के आपको 165 मार्क्स मिलते हैं, और 15 क्वेश्चंस गलत करने की 15 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपके टोटल 150 मार्क्स आते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। इट इफेक्ट्स यू मोर देन यू कैन थिंक। जब मैंने फर्स्ट टाइम एफ कैट दिया था तो जिन क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा डाउट भी था वो भी मैंने कर दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि नेगेटिव मार्किंग तो सिर्फ 1/3 है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब घर पर आके मैंने उस वक्त पेपर हमें मिलता था, उस वक्त ऑफलाइन एग्जाम होता था, घर पर आके जब मैंने आंसर्स चेक किए तो सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे लॉस हुआ। एंड दैट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट आई मेड दिस मिस्टेक। उसके बाद मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव्स दिए, कभी भी मैंने जिस क्वेश्चन में डाउट है, अगर 50-50 का भी डाउट है तो भी मेरे हिसाब से इट्स वर्थ द रिस्क। लेकिन अगर आपको 4 में से 1 ही ऑप्शन है जो समझ में आ रहा है, बाकी 3 आपने सुने ही नहीं है या आपको पता ही नहीं है, तो वो तो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फर्स्ट थिंग इज़ बी वेरी अवेयर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सेकेंड टिप, और अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, हम एक क्रोनोलॉजी में जाएंगे कि आपने अगर आज फॉर्म भरा है तो आप कैसे तैयारी शुरू करें। सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं और उनको बैठ के सॉल्व करें। कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन अभी आपको कुछ भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, बट ट्राई योर बेस्ट सॉल्व करने का, अपनी तरफ से बेस्ट करके देखें। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो बस आंसर मार्क कर दें। ऐसे पेपर्स उठाएं जिनके आंसर्स भी आपके पास हैं, आंसर्स पहले ही निकाल लें। कई बार ऐसा होता है हम पेपर सॉल्व करते हैं फिर आंसर ढूंढना शुरू करते हैं, तो उसके सैम्पल आंसर्स, जो सैम्पल पेपर होता है उसके आंसर्स गिवन नहीं होते। इसको सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट थिंग, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने CDSE में देखा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर उसमें 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स नहीं होते, फिर ऑप्शन होता है विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ए में जैसे 1 एंड 2, बी में 3 एंड 4, सी में 1 एंड 3, फोर्थ में 2 एंड 4, इस टाइप से आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो एफ कैट में ऐसे पेपर नहीं आता। एफ कैट में सिंपल वो एक लाइन में क्वेश्चन पूछते हैं और एकदम वन वर्ड आंसर टाइप ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो आपको समझ में आएगा किस टाइप से पूछते हैं। सेकंड, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस मोस्टली आते ही हैं एफ कैट में, जैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से मोस्टली क्वेश्चन आता ही है, तो आपको टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आप जैसे ही उन टॉपिक्स पाएंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसने मुझे एफ कैट क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, दैट इज़ स्मार्ट स्टडी एंड नॉट हार्ड वर्क। मैंने जब पहला एफ कैट दिया था, जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उस वक्त मैंने ऐसा किया था कि मैं, मेरे पास CDSE की बुक थी और मैं उसी से एफ कैट के लिए भी पढ़ रही थी, तो उसमें जितना मैथ्स का पोर्शन था, जितना GK था, जितना इंग्लिश था, मैंने सब पढ़ लिया, जबकि सिर्फ वही पोर्शंस हमको कवर करने चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता देती हूँ, एंड 90% सिलेबस वही है। कुछ ऐसी 10% चीज़ें होती हैं जो जनरली एकदम से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ सिलेबस आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एफ कैट के लिए, मैंने अरिहंत की बुक ली थी, विच इज़ गुड इनफ। आई विल नॉट कॉल इट वेरी गुड, बट इट वाज गुड इनफ। सो इंग्लिश में सबसे पहले इंग्लिश, मैथ्स, GK, रीजनिंग, 4 ये आते हैं, चारों से 25 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस। इंग्लिश से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं idioms एंड phrases, synonyms एंड antonyms, comprehension जिसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है और आपको उसको पढ़ के उस आप उसको कितने अच्छे से समझ पाए उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जनरली ग्रामर बेस्ड की वाज, वर,
हैज हैविंग में से क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज में से जो 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। करंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट इवेंट्स आपको पूरे साल का नहीं बल्कि पिछले 6 महीने का पढ़ना होता है। करंट इवेंट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों अवार्ड्स किसको मिला, कब मिला और कहाँ पे मिला, के जैसे बॉलीवुड के अवार्ड्स हैं या इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री के अवार्ड है, जर्नलिज्म के अवार्ड्स हैं या आर्ट के अवार्ड्स हैं या नेशनल अवार्ड्स हैं, ये किसको मिले, कब मिले, कहाँ पे मिले, सभी अवार्ड्स आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स वगैरह के अवार्ड्स भी अभी इसके बाद सेकेंड एक चीज़ जो पूछी जाती है वो है अपॉइंटमेंट्स, कि अभी किसी को कहाँ पे किस चीज़ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट डिफेंस की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 100% क्वेश्चन आता है, जैसे कौन सी नई एक्सरसाइज हुई जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, कौन से नए वेपन्स हैं या नया एयरक्राफ्ट है, नया एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी डिफेंस फोर्सेज ने लिया है, या कौन से नए टेस्ट हुए, कौन से मिसाइल का टेस्ट हुआ है, कहाँ पर हुआ है, पोखरण में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस। देन जितनी भी मीटिंग्स होती हैं यानी जो जितनी भी समिट्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल की स्पेशली, जैसे सार्क कब हुई, कहाँ पे हुई, इंडियन में ने उसमें पार्टिसिपेट किया कि नहीं, या फिर इसके मेंबर्स कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस। सो करंट इवेंट्स आपको जनवरी से लेकर के आई थिंक जुलाई अगस्त एटलीस्ट आप कर लीजिए, जनवरी टू अगस्त तक के करंट इवेंट्स आपको करने हैं। बट मैथ्स एंड दिस इज द रीज़न वाई माई फर्स्ट ए एफ कैट वॉज नॉट गुड, क्योंकि मैं पूरा ही मैथ्स पढ़ के गई थी जबकि उसका एक बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन और बोट के क्वेश्चन आते हैं, अगर दो ट्रेन सामने से आ रही हैं तो इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है, तो कितने सेकंड बाद मिलेंगी, अगर एक पोल को क्रॉस कर रही है और वो पोल इतने डिस्टेंस पे है ट्रेन की ये स्पीड है तो कितनी देर बाद क्रॉस करेगा, इस टाइप के। बोट के क्वेश्चंस की एक बोट है जो नीचे जाने में इतना टाइम ले रही है, अप द स्ट्रीम आने में इतना टाइम ले रही है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दे दिया या टोटल टाइम पूछ लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क, अगर तीन लोगों को इतना काम करने में इतना टाइम लगता है तो अगर वही काम दो लोग करें तो कितना टाइम लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। एवरेज के क्वेश्चंस, एवरेज में क्लास में बच्चों का टोटल वेट ये है, उनमें से अगर एक का वेट निकाल दिया तो अब नया एवरेज क्या आएगा, इस टाइप के। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें स्पेशली जो मिल्क इज टू वाटर वाला रेशियो टाइप के होते हैं ये, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही है मैथ्स का सिलेबस और सिर्फ यही पढ़ना होता है और बाकी पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना होता। इसके बाद रीजनिंग में दो रीजनिंग आती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल में आपको ऑड वन आउट यानी चार वर्ड्स तीन गिवन होंगे, जैसे तीन बर्ड्स के नाम दे दिए और एक एनिमल का नाम दे दिया और अब आपको उसमें ऑड वन आउट, तो ऑब्वियसली एनिमल का नाम ऑड है। नेक्स्ट ए इज टू बी, सो सी इज टू वॉट, ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेशन है, जैसे वाटर इज टू थर्स्ट, सो फूड इज टू, फिर उसका आंसर में हंगर आएगा, तो नीचे चार ऑप्शंस गिवन होंगे इस तरीके से। ये वर्बल रीजनिंग में आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में कंप्लीशन ऑफ फिगर, एक फिगर के चार पार्ट करके तीन पार्ट आपको गिवन होंगे, चौथा पार्ट नीचे ऑप्शंस में से आपको गेस करना है। मिरर इमेज यानी जो वाटर इमेज जिस तरीके से बनती है, इनमें से इस फिगर की कौन सी मिरर इमेज है। हिडन फिगर्स, डॉट सिचुएशन, कंटिन्यू फिगर, कंटिन्यू जो सीरीज़ वाला आता है जिसमें तीन सीरीज़ दी होती है, चौथा उसके आगे क्या आएगा वो आपको पता करना होता है। ऑड वन आउट, कौन सा फिगर इनमें से ऑड वन आउट है, और वेन डायग्राम एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। ये पूरे ए एफ कैट का सिलेबस है। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क इन एनी रैंडम डायरेक्शन, यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन जस्ट दीज टॉपिक्स, सिर्फ यही टॉपिक्स उठा के आपको इन्हीं को पढ़ना है। कुछ जो अच्छी बुक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एज आई टोल्ड यू, और कुछ अलग अलग बुक्स भी हैं जैसे रीजनिंग के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। टिप नंबर फोर्थ इज डिवाइड टोटल सिलेबस इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी आपके पास टोटल जितना टाइम बचा है, जैसे अभी आई थिंक आपके पास अप्रॉक्सीमेट 3 महीने बचे हैं, तो आप अपने पूरे सिलेबस को उस 3 महीने में प्लान करो। जैसे मैं एक वीकली टारगेट बनाया करती थी कि मुझे इस मंथ में 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में मैथ्स से ये टॉपिक, इंग्लिश से ये टॉपिक, जीके से ये और रीजनिंग से ये कवर करना है। तो इस तरीके से यू विल बी एटलीस्ट एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली पढ़ोगे तो ऐसा होगा कि शुरू में आप बहुत लाइटली लोगे और फिर बहुत सारा सिलेबस बचने की वजह से लास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो आप अगर उसको इवनली डिवाइड करोगे तो फर्स्ट थिंग आप शुरू में ही बहुत सीरियस हो जाओगे, क्योंकि आपको पता होगा इस वीक में ये चीज़ें ख़त्म करनी है, तो यू कॉन्ट टेक इट लाइटली। सेकेंड, इट विल मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ द डेज वैन एग्जाम इज कमिंग नियर, then you will not be overstressed. Tip number fifth is keep Saturday and Sunday for revision. Now this is another mistake that I did and I've learned from it. कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्योंकि हम प्रोग्रेस देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छा मैंने एंशियंट खत्म कर लिया, मिडिवल खत्म कर लिया और अब मैं मॉडर्न पे हूँ, वी डोंट वॉन्ट टू गो बैक देयर। हम सिर्फ उस सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैंने और पढ़ लिया और पढ़ लिया, हम आगे आगे जाना चाहते हैं बस, बट दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, क्योंकि आप इतनी स्पीड में चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं। अभी अगर आप वीकली टारगेट्स बनाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा पढ़ना है,
तो आप उसे भूल जाएंगे। इसीलिए आपको पढ़ने वाली चीज़ें सिर्फ मंडे टू फ्राइडे रखनी है, सैटरडे संडे आपको सिर्फ रिविजन के लिए देना है। दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट। आपने मंडे से फ्राइडे तक जो भी पढ़ाया आपको उसको रिवाइज करना है। अगर आप नोट्स बना के पढ़ने में बिलीव करते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल स्टेटमेंट जस्ट राइट द कीवर्ड्स, उससे आपका टाइम सेव होगा। टिप नंबर 6, स्टडी स्कोरिंग सेक्शन। स्कोरिंग सेक्शन का मतलब होता है फर्स्ट जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है वो आपका स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि आप उसको एक बार में पढ़ते ही समझ सकते हो। आपकी आपको उसको पढ़ के उसको याद रखने की, लंबे टाइम तक रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है, बिकॉज वो या तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या आपने अपने स्कूल डेज में उस पर बहुत अच्छा अटेंशन दिया है। इसीलिए जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या जिसमें आप अच्छा जनरली स्कोर करते थे स्कूल कॉलेज में, उसको आपको अच्छे से करके जाना है, वो आपका स्कोरिंग सेक्शन है। सेकेंड स्कोरिंग सेक्शन होता है मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश और जीके को हम स्कोरिंग में नहीं काउंट करते। रीज़न, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आप उसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अच्छी पकड़ बनाने के लिए टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्वियसली लॉन्गर देन 3 मंथ्स। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आप इंग्लिश पढ़ के जाओगे तो उसमें से नहीं आएगा या आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतना समझने के लिए या उतना स्कोर करने के लिए, अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी नहीं है तो, कि आप उसमें से अच्छा स्कोर कर पाओ। सेकेंड, जीके का जो सेक्शन है वो बहुत वास्ट होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, और आप उतने देर में अगर आप जीके का कर रहे हो उतने देर में आप मैथ्स का पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हो, और फिर उसमें से क्वेश्चन आएंगे ये पक्का होता है। जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करने में जितना टाइम लग रहा है, अगर आपको उतने टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म करने में लग रहा है, तो एंशियंट हिस्ट्री से मैथ्स एक दो क्वेश्चंस आएंगे, और वो भी ऐसे भी आ सकते हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं। पर मैथ्स में अगर आपने एक बार एक टॉपिक पढ़ लिया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर पाओगे। मैं इफकैट का एग्जाम देने गई थी तो मैं 1300 idioms phrases याद करके गई थी, और 5-10 क्वेश्चंस आते हैं idioms phrases के, उसमें से 3-4 ऐसे थे जो उन जो मैंने 1300 पढ़े थे उनमें से थे ही नहीं। तो इंग्लिश भी इनफैक्ट इतना वास्ट है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वो आए इसकी गारंटी नहीं होती, पर मैथ्स और रीजनिंग में एटलीस्ट गारंटी होती है कि जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो आप उसको क्लियर कर पाओगे। ओके, टिप नंबर 7 इज़ कि लास्ट के 1-2 वीक्स जो हैं एग्ज़ाम से पहले के, उसको आप अपने स्टडी पीरियड में काउंट मत करो। उस लास्ट के 1-2 वीक्स को आप प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने में यूटिलाइज़ करो, और स्पेशली टाइम फ्रेम के साथ। यानी अगर 2 घंटे का पेपर है तो आप एक ऐसा सैम्पल पेपर पिक करो जिसमें 100 questions हैं, यानी AFCAT का ही सैम्पल पेपर, और आप उसको 2 घंटे में बैठ के सॉल्व करो, उसके बाद अपनी मार्क्स चेक करो। अगर आप ऐसा पूरे 1-2 वीक करोगे लास्ट के, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी स्कोरिंग इम्प्रूव होती जाएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 8 and 9 आर ऑफ टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट 20 सेकेंड मिलते हैं AFCAT में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी आपको इंग्लिश और जीके बहुत स्पीड में सॉल्व करना है ताकि उसमें से जो टाइम बचे वो आप मैथ्स एंड रीजनिंग पे दे पाओ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। नाउ वन थिंग इज़ कि आप जब आपके सामने पेपर आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ मूव होने के बजाय आप जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस हैं उस हिसाब से मूव हो। जैसे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आई यूज़ टू गो इन रीजनिंग, देन मैथ्स, देन जीके। तो आप इस तरीके से पर्सनली आपके अकॉर्डिंग जो भी है, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर टाइम अप हो जाता है और आप क्वेश्चन कुछ छूट भी जाते हैं तो कम से कम उस सेक्शन के छूटेंगे जिसमें से बनने के चांसेस कम थे। ऑल्सो आप एक घर से ही सीक्वेंस के साथ साथ टाइम फ्रेम भी डिसाइड करके जा सकते हैं कि शुरू के 20 मिनट में मुझे इंग्लिश ख़त्म कर लेना है, अगले 20 मिनट में मुझे जीके ख़त्म कर लेना है। जिस टाइप से भी आप डिसाइड करते हैं टाइम फ्रेम की, इतने मिनट में ये वाला सेक्शन ख़त्म कर लेना है, इससे एटलीस्ट ये चीज़ श्योर रहेगी कि आपका टाइम अप नहीं होगा, आप गिवन टाइम फ्रेम में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। सो ये थे टिप नंबर 8 and 9th ये था कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करें सेक्शन वाइज, ना कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100, एंड 9th के आप कितने सेक्शन को कितना टाइम देना है घर से ही डिसाइड करके जाएं। पॉइंट नंबर 10th, और मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि शायद ये सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे जब भी प्रॉब्लम आई सॉल्व करने में आती थी। सो माई टाइम टेबल यूज़ टू बी कि मैं रात में पढ़ती थी और मैं दिन में सो जाती थी, तो मैं सुबह 9-10 बजे सो के शाम को उठती थी और बाकी मैं पूरी रात बैठ के पढ़ाई करती थी, बिकॉज ऑफ विच मेरी बॉडी साइकिल ऐसी हो गई थी कि मुझे दिन में अपने आप नींद आने लगती थी, और दिन में ही AFCAT का एग्ज़ाम होता था, तो मैं उस टाइम पर थोड़ा सुस्त और थोड़ा डाउन रहती थी, इतनी एक्टिव नहीं रहती थी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आप अपनी बॉडी साइकिल से हिसाब से बनाएं कि आप जिस टाइम पर आपका एग्ज़ाम है या आपकी शिफ्ट है उस टाइम पे आप एक्टिव हैं, जगे हुए हैं। जिनको दोपहर में सोने की आदत है उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि एक बॉडी साइकिल बन जाती है कि अगर आप रोज़ सेम टाइम पे सोते हो तो आपको उस टाइम पे ऑटोमेटिक नींद आने लगती है, एंड दैट टाइम शुड नॉट क्लैश विद योर एग्जाम टाइम। सो दीज वर द 10 टिप्स, आई थिंक दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एट होम ओनली। कुछ अच्छे बुक्स के जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स।